सो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपसे बात करेंगे उस ऑपरेशन की जिसको पूरा करने के लिए छोटा राजन ने 2 साल तक की प्लानिंग की, 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्चा किया और आखिर में एक पुराना समुद्री जहाज खरीदा गया जिसमें वो शूटर और हथियार दुबई भेजे गए, जिनके जरिए शरद अन्ना अलियास शरद शेट्टी को मारा गया। बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल्स सामने आई हैं पुरानी, जो बड़ी मुश्किल से हमने दुबई की पुलिस के रिकॉर्ड में से ढूंढी हैं, और जो खतों किताबत लेटर्स एक्सचेंज हुए थे दुबई पुलिस और मुंबई पुलिस की, खास तौर पे क्राइम ब्रांच के बीच, उनकी भी हमने खोज पड़ताल की। पुराने ऑफिसर ने उसके कुछ लेटर्स के अंश हमें बताए जो दुबई पुलिस ने लिखे थे और कैसे शरद अन्ना को मारने की पूरी साजिश सामने आई, कैसे इस ऑपरेशन को, जिसका नाम ही ऑपरेशन अन्ना रखा गया था, उसकी कैसे उसकी पूर्ति हुई, कैसे उसको अंजाम दिया गया। बात थोड़ा सा हट के चलते हैं, पीछे चल रही थी उस बात से जो 2000 में, सितंबर 2000 में छोटा राजन के ऊपर बैंकॉक के एक घर में अटैक होता है, मरते मरते बचता है लेकिन उसका साथी मारा जाता है। उसके साथ दुश्मनी की एक नई लड़ाई शुरू होती है, बदला लेने की रिवेंज। कहा जाता है कि जब उस हमले में जख्मी हालत में छोटा राजन बैंकॉक के हॉस्पिटल में था तो बार बार उठ के बैठने की कोशिश करता था लेकिन पेट में लगी गोलियों की वजह से बैठ नहीं सकता था। अपने खास आदमी संतोष शेट्टी को बार बार कह रहा था, मुझे बदला लेना है, मुझे यहाँ से निकालो, मैं हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहता। और बदला लेने की जो कहानी शुरू हुई, कुछ लोग बेगुनाह मारे गए, जिनको जिनका कोई लेना देना नहीं था उस अटैक से, उनका मर्डर हो गया। लेकिन जब छोटा राजन को ये पता चला कि इस पूरी साजिश के पीछे शरद अन्ना है, शरद शेट्टी है, उसको यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपने दोस्तों से, और शेट्टी कंपनी में या शेट्टी कम्युनिटी में छोटा राजन का बहुत बड़ा होल्ड था, चेंबूर इलाका जहाँ से छोटा राजन का स्ट्रांग होल्ड गिना जाता था, वहाँ पे बहुत सारे शेट्टी लोगों के रेस्टोरेंट, बियर बार, जुए के अड्डे, ये वो चलते, और उनके थ्रू बड़े इस कम्युनिटी से, बंट कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग, जिनमें सबसे प्रोमिनेंट था साधु शेट्टी, वो उनके जरिए छोटा राजन ने बहुत बड़ा होल्ड बना के रखा था। बड़े सालों तक शेट्टी कम्युनिटी का साथ छोटा राजन को मिलता रहा, लेकिन ओवर द ईयर्स कुछ बातों से, इन कुछ हरकतों से, जो कत्ल बाद में विनोद शेट्टी का हो या बाद में शरद शेट्टी का हो, उसके चलते हुए इस कम्युनिटी के साथ छोटा राजन के उनके जो रिश्ते थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुए। बाद में कोई बड़ा शेट्टी कम्युनिटी का आदमी छोटा राजन के साथ नहीं मिला और जो थे वो भी एक के करके छोड़ गए। क्या तो बदला लेने के लिए छोटा राजन को वापस जाना पड़ा अपने एक और दोस्त के पास, जो इसका पुराना साथी था, वो पर्दे के पीछे बैठ के उसके लिए काम किया करता था। उसके भी बहुत सारे किस्से सामने आए हैं इन जो डॉक्यूमेंट्स हमने देखे दुबई पुलिस के, जो पढ़ने को मिले। वो पढ़ने को इसलिए मिले कि उन डॉक्यूमेंट्स को जब इंडिया भेजा गया तो उनकी ट्रांसलेशन करवाई गई थी। वो ट्रांसलेशन जो हुई अंग्रेज़ी में भेजे गए, वो ट्रांसलेशन हमने पढ़ी है अंग्रेज़ी वाली, ओरिजिनल जो अरबिक के डॉक्यूमेंट्स हैं वो नहीं देखने को मिले। खैर, उन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक सन 2002 के बिगनिंग में, जब छोटा राजन पूरी तैयारी कर रहा था शरद अन्ना को कैसे मारना है,
तो उसकी रैकी के लिए एक टीम बनाई गई कि उसका शेड्यूल दुबई में तय किया जाए। उसमें पता चला कि उसका सबसे कमज़ोर ठिकाना जो है वो दुबई में इंडिया क्लब है, जहाँ वो शाम को ताश खेलने, स्क्वाश खेलने, या अपना दारू वारू पीने, जो भी दोस्तों को मिलना, अपना सोशल सर्कल उसमें विचरने के लिए जाया करता था। रेगुलर था, क्लब का मेंबर था, कभी ऑफिस मीरियड भी रहा होगा। हालांकि अपने उसके बहुत सारे होटल थे, बड़े फाइव स्टार होटल भी थे, रेस्टोरेंट थे, लेकिन वहाँ पे जो फ्रेंड सर्कल मिलता है, अपने कम्युनिटी के लोग, अपने देश के लोग, वहाँ पे जाना अक्सर इस किस्म के लोग अच्छा समझते हैं। वो देखा गया वहाँ पे रैकी करने के बाद उस क्लब को अड्डा बनाना था, निशाना बनाना था। उसके लिए एक स्कीम तैयार की गई। छोटा राजन का एक खास आदमी था, मधु कुटप्पन। ये आदमी बहुत सालों से पर्दे के पीछे बैठ के छोटा राजन के लिए काम किया करता था। आपको शायद बहुत से लोगों को पता होगा, एक बार छोटा राजन ने ग्रीस का कंटेनर मंगवाया था बाहर, लेकिन उस कंटेनर में ग्रीस तो थी, लेकिन ग्रीस के ड्रम्स के अंदर सोफिस्टिकेटेड वेपन थे, माउजर 9mm के हथियार, पिस्टल। उनमें से काफ़ी सारे पहले एक बार निकल आए थे, लेकिन दूसरी कंसाइनमेंट जो भेजी गई थी वो इसी मधु कुटप्पन ने भेजी थी, और साथ में विक्की मल्होत्रा और कुछ और लोग शामिल थे, जो अभी ये सब छोड़ छड़ा के रिपैट्रिएट हो के वापस भारत भी आ गए और नए तरह से अपने रेस्टोरेंट वगैरह चला रहे हैं। उनका नाम नहीं लेंगे, उनके उनको गुनाहों की सज़ा मिल गई, अब जमानत पे चल रहे हैं। तो इन लोगों ने मिल के वो कंसाइनमेंट भेजी थी डेडली वेपन्स की, लेकिन कस्टम की मुस्तैदी के चलते हुए, और लोग तो ये भी कहते हैं कि अंदर के किसी आदमी ने कस्टम को खबर दे दी थी, और DRI ने और कस्टम ने उस ऑपरेशन में वो सारी की सारी वेपन पकड़ ली थी। ये काफ़ी चर्चा का विषय बना था। तो ये वही मधु कुटप्पन नाम का शख्स है, जिसका नाम पहले अभी तक कहीं नहीं आया इस केस के अंदर, शरद शेट्टी के केस में। अब इसकी बैकग्राउंड बनाते हैं, ये आदमी कौन है। तो पूरी प्लानिंग जब की गई तो ये सोचा गया कि जिन लोगों को दुबई भेजना है वो बाई एयर तो जा नहीं सकते, बाई एयर जाएंगे तो बाई एयर वापस आएंगे, वापस नहीं आ सकेंगे, ये तो किसी को भरोसा नहीं था कि पकड़े जाएंगे। प्लानिंग तो ये थी कि आदमी जाए, काम करके वापस आ जाए, उसके लिए रास्ता बनाना पड़ेगा। और बाई एयर आप हथियार लेके नहीं जा सकते, और दुबई में हथियारों की बिक्री पर बैन है, हथियार रखना मना है नॉन जो रेसिडेंट्स हैं वहाँ के उनके लिए। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत थी आदमी पहुँचाने, शार्प शूटर कंट्रैक्ट किलर पहुँचाने, और हथियार पहुँचाने, और जाने का और भागने का एक वहीकल वो रेडी होना चाहिए। तो अब देखिए 2001 के बिगनिंग में सिंगापुर में, 2002 के बिगनिंग में रेट सितंबर 2000 में अटैक होता है। एक डेढ़ साल तक छोटा राजन अपने ज़रिए से रैकी करवाता है, और 2002 के बिगनिंग में ये स्कीम को अंजाम दिया जाता है। सिंगापुर में मधु कुटप्पन को बुलाया जाता है, वहाँ उसकी अकेले में छोटा राजन के साथ मीटिंग होती। उस मीटिंग में मधु पूरा प्लान अपने दोस्त और बॉस के सामने रखता। स्कीम ये थी कि एक सेकंड हैंड पुराना शिपिंग वैसल खरीदी जाए, एक समुद्री कार्गो जहाज़ खरीदा जाए, बहुत बड़े जहाज़ नहीं होते हैं, मीडियम साइज़ के, जिसको कार्गो वैसल बोलते हैं। हिंदुस्तान से सैकड़ों ऐसे जहाज़ ख़ास तौर पे गुजरात कोस्ट से बहुत सारा सामान, भेड़ बकरी अंडे इस किस्म का सामान लेके, साल दर साल नमक वगैरह दालें ये सब लेके उसी किस्म के कार्गो वेसल में दुबई, शारजा, अजमान और खाड़ी के बाकी देशों में जाते रहते। इसी तरह के कार्गो वेसल जो है वो मॉरिशियस और उसके आगे साउथ अफ्रीका तक भी गुजरात के कोस्ट से जाया करते थे एक ज़माने में। आजकल तो बहुत
एडवांस्ड हो गया सिस्टम, बड़े बड़े कंटेनर शिप आ गए हैं और बहुत बड़े लेवल पे काम होने लग गया। लेकिन उस ज़माने में वो जो मिड साइज के शिपिंग बोर्ड से बड़ी वैसल हुआ करती थी, वो अरेबियन ढाव उसको बोला जाता था, उस किस्म के, लेकिन हिंदुस्तान में बने हुए जो बाहर के सेकंड हैंड शिप मिल जाते थे, उस किस्म का एक जहाज खरीदा गया जिसका नाम था MT Trust, TRUST। MT मेरिन ट्रांसपोर्ट व्हीकल जिसको कहते हैं, वैसल कहते हैं, वो उसके लिए MT लिख देते हैं। तो उस वो शिप खरीदा गया 40 लाख रुपए में। अब उस शिप को जो पुराने आदमी से खरीदा, नए आदमी के नाम पे चढ़ाने के लिए उसकी नई रजिस्ट्रेशन लाइबेरिया में करवाई गई। लाइबेरियन जो उनकी जो शिपिंग जो मिनिस्ट्री है उसके साथ मिलकर उसकी नई रजिस्ट्रेशन करवाई गई। पहले शिप का नाम कुछ और था, बाद में बदल के MT Trust रखा गया और इस शिप को भारत लाया जाता है। उसमें जो शिप का कैप्टन अब्दुल मजीद, उसकी जो शिपिंग कैप्टन के डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरी की पूरी लाइबेरिया में करवाई जाती। उसके बाद जो चार शार्प शूटर, चार आदमी यहाँ से तैयार किए थे इन्होंने, उनमें से एक आदमी बाद में गया नहीं, लेकिन तीन आदमी साथ में गए। उनमें से सबसे बड़ा शूटर था मनोज कोटियन, दूसरा था करण सिंह राजपूत, तीसरा था अमर बहादुर बाग नेपाल का, और साथ में शिपिंग कैप्टन अब्दुल मजीद, वो भी इंडियन नेशनल था। और पांचवा आदमी जो इनका ओवरऑल शिपिंग का जो एक्सपर्ट माना गया, जिसके थ्रू ये सारी डील हुई थी, वो भी इनकी उस शिपिंग कंपनी जो रजिस्ट्रेशन करवाई थी उसमें उसका नाम भी था, वो लाइबेरियन मूल का आदमी था। तो इन चारों लोगों, ये तीन शूटर और ये चौथा शिपिंग कैप्टन, ये आदमी दो ट्रिप लगाते हैं बॉम्बे से दुबई के। और जो सीरी सी होती है, एक बुक आपको बता दें, कंटीन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, ये एक किस्म की बुक होती है जिसका नाम जो CDC होता है, कंटीन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। ये बेसिकली जिस तरह से हमारे पासपोर्ट होते हैं, उस तरह जो समुंदर में चलने वाली दुनिया भर में वैसल्स हैं, समुद्री जहाज हैं छोटे बड़े, उनके ऊपर जितना भी स्टाफ काम करता है, वो बड़े सेलर हों, कुक हों, डॉक्टर्स हों, कैप्टन हों, इंजीनियर्स हों, सफाई मजदूर हों, इन सब के लिए पासपोर्ट नहीं होता, वो CDC होती, जिसके ऊपर उस वैसल के कैप्टन के सिग्नेचर होते, और एक CDC बुक 5 साल के लिए वैलिड होती है। उसके बाद उसको रीन्यू करवाया जा सकता है जिस भी पोर्ट पे आप जाते हो। तो जब आप किसी भी पोर्ट पे समुद्र के किनारे लगते हो तो CDC बुक पे आपकी एंट्री हो जाती है। आप थोड़े दिन, जैसे सेलर्स को अलाउड होता है जितने दिन आपका सामान लोड अनलोड हो रहा है, उतने दिन आप उस कंट्री में रह सकते हो। तो एक तरीके का ये समुद्री पासपोर्ट होता है। तो इन चारों का CDC भी लाइबेरिया से बनाया गया। अब किसी को शक नहीं हो सकता था कि ये लोग जो CDC बनवा के सी फेरर, जिनको हम कहते हैं समुंदर में काम करने वाले, समुंदर में घूमने वाले, वो सी फेरर्स का पासपोर्ट इनका बन गया। दो बार ये लोग पहले 2002 में जाके आते हैं दुबई, वही शिप लेके MT Trust, सामान भी लेके जाते हैं यहाँ से, थोड़ा बहुत डमी किस्म का सामान वो वहाँ पे खाली करते हैं, वहाँ से कुछ और सामान भरते हैं और वो सामान लेके वापस भी आते हैं। और जो 4-5-6 दिन वहाँ पे रुकते हैं उस CDC बुक की एंट्री के तौर पे, वहाँ पे ये इंडिया क्लब का विजिट करते हैं। शिपिंग कैप्टन शिप में रहता है अब्दुल मजीद, उसका इस कॉन्स्पिरेसी से कोई लेना देना नहीं था, ये बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला। इन तीनों को पता था हम किस काम के लिए आए।
तो जब दूसरी बार जाते हैं दुबई तो अपने उसी सी फेरर के बुक के जरिए ये इंडिया क्लब के मेंबर भी बन जाते हैं। अब देखिए कमाल की बात, टूरिस्ट वीज़ा जिसको अब हम कह सकते हैं कि टेम्परेरी वीज़ा जो CDC पे लगता है, उसको लेके ये लोग इंडिया क्लब के मेंबर बन जाते हैं। कोई विजिटिंग मेंबर की क्लॉज होगी, कुछ होगा, लेकिन दुबई की पुलिस ने इस बात को बहुत सीरियसली लिया। जब इस कत्ल के बाद, शर्म शेट्टी की हत्या के बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो इंडिया क्लब के अहदेदारों की भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई थी कि उन्होंने किस बेस पे इन टूरिस्ट को अपने क्लब का मेंबर बना लिया, जिस क्लब के ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, अमीर धनाढ़ लोग, प्रोफेशनल, वो मेंबर बन सकते हैं। तो इस किस्म की एलिगेशन पुलिस ने उस क्लब के अहदेदारों के खिलाफ भी लगाई, और कुछ शायद वो डॉक्यूमेंट्स में कहीं लगता है कि उनको कोई फाइन भी मारा गया था इस तनगहली के लिए, क्योंकि उनका डायरेक्टली मर्डर से कोई तअल्लुक नहीं था, इसलिए किसी को कोई सजा वगैरह नहीं दी गई, लेकिन उनकी इस जो इरेगुलरिटी की थी उसका जुर्माना जरूर लगाया गया था। तो ये आदमी उस बार सेकंड विजिट में पूरा माहौल देख के आए कि वो क्लब किस किस्म का है, अंदर जाने के कितने रास्ते हैं, क्राइम के बाद भागना है तो किधर से भागना है, कौन सी जगह अच्छी होगी जहाँ इसको मारा जा सके। और उसी ट्रिप के दौरान ये मनोज कोठियन, ये भी कर्नाटका का रहने वाला मूल का आदमी, कन्नड़ बोलता है, तुल्लू है, जो इनकी भाषा है, वो शरद शेट्टी के साथ अपनी भाषा में बातचीत भी करने लग गया, एक तरीके से उससे हाथ मिला लिया। और शरद शेट्टी को ये लगा ये अपना ही आदमी, कोई उसको इस बात का शक नहीं हुआ कि आने वाले दिनों में यही आदमी उसके सर में गोली मारेगा। इस दो बार जब ये लोग गए तो साथ में कोई हथियार लेके नहीं गए थे, लेकिन दो बार जाके उनको पता लग गया कि शिप के बाहर जब निकलना है कहाँ क्या तलाशी होती है, किस समय कहाँ हथियार लेके जा सकते हैं, वो पूरा इन्होंने रेक की, उस पोर्ट की भी कर ली। अब जनवरी 14-15 तारीख को, 19 जनवरी को उसको मारा गया था, उसके थोड़े दिन पहले ये लोग वहाँ तीसरी बार जब पहुँचते हैं तो अपने साथ 9 mm के पिस्टल, जर्मन मेड पिस्टल ले के पहुँचते हैं तीनों आदमी, और वहाँ पे उसी तरीके से जैसे पहले दो बार रैकी करके आए थे उसी तरीके से एक दिन जाते हैं, रैकी करते हैं, लेकिन शरद शेट्टी उस दिन नहीं आता। दूसरे दिन फिर जो इन्होंने टाइम देखा हुआ था तकरीबन इतने बजे आता है, तो नेक्स्ट डे शाम के 8:30 बजे शरद शेट्टी क्लब में आता, और जब वो बाहर निकलता है क्लब के अंदर से तो मोहन कोठियन उससे बातचीत करने लगता है जैसे पहले ट्रिप में एक बार कर चुका था। तो 19 जनवरी 2003 की उस शाम जब दोनों बात कर रहे थे तो करण सिंह राजपूत सामने आता है, और आते ही शरद शेट्टी के सर में गोलियां दाग देता है। साथ के साथ मनोज कोठियन अपना पिस्टल निकाल के 3 गोलियां और ठोक देता है। 5 गोलियां सर में लगने के बाद शरद शेट्टी जगह पे मर जाता है। इन लोगों ने पहले जो रैकी की थी, भागने का जो रूट बना रखा था, वो भागने में कामयाब हो गए, और भागने के समय इनको दो वहाँ के लोकल गवाहों ने देखा। उनमें से एक गवाह वो था जिसने इनको इस घटना के पहले ही देख लिया था, कैसे कपड़े पहने थे, किस किस्म का हुलिया, कितनी हाइट, इस किस्म का जो इनिशियल जो जानकारी होती है वो दो गवाहों ने दुबई पुलिस को दी। दुबई पुलिस ने अपने उन डॉक्यूमेंट से लिखा है कि हमने 9 ऑफिसर्स की 3 टीम बनाई, 27 ऑफिसर दिन रात इस केस पे काम कर रहे थे।
इन पांच इन तीनों को ढूंढा जा रहा था, लेकिन ये कहीं छिप के रह रहे थे, बाहर नहीं निकले। अब किसी को ये पता नहीं था कि ये वही लोग हैं जो एमटी ट्रस्ट जहाज लेके दुबई में आए थे, और वो जहाज अभी तक उनके बंदरगाह पे खड़ा है। पांचवें दिन वो जब इनके जो स्केच बनाए गए हुलिया देख के, उसके जरिए उनको पोर्ट में कहीं खबर मिल गई कि इस किस्म के लोग ये जो जहाज खड़ा है बंदरगाह पे उसमें देखे गए थे। अब वहाँ तो बहुत जहाज खड़े रहते हैं, लोकल आर्मी लोगों की बोट्स भी खड़ी रहती है, किसी ने पहचान लिया होगा। तो वहाँ की पुलिस ने सिविल में अपने आदमी वहाँ पे जहाज के इर्द गिर्द लगा दिए, पूछताछ किसी से नहीं की। अब्दुल मजीद तक को नहीं पूछा कि आप हमारे शक के घेरे में हो। पाँच दिन के बाद जब ये तीनों आदमी उस शिप में जाने के लिए बंदरगाह पे पहुँचते हैं, तो इन तीनों को दबोच लिया जाता है, और उसके बाद ट्रायल चलती है। और 9 महीने के अंदर अंदर पूरी ट्रायल चलने के बाद इन दो लोगों को जिन्होंने गोलियां चलाई थी, इनको फांसी दे दी जाती है। और तीसरा आदमी जिसने गोली नहीं चलाई थी, उसने ये प्ली लिया कि मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि ये आदमी क्या करना चाहते हैं, मैं इनोसेंट हूँ, मैं तो सिर्फ वो गाड़ी चला रहा था, मुझे गाड़ी चलाने के लिए लाए थे, वो जो एक गाड़ी जो गेटवे व्हीकल था जहाँ पे जो किराए पे गाड़ी ली थी, मैं तो वो चलाई थी खाली। तो वो आदमी 9 साल तक जेल में रहा। उसके बाद बहुत बड़ी एक एनजीओ वगैरह ने उसको छोड़ने की अपील करते रहे, दुबई के जो वहाँ के उनके जो अमीर हैं, जो उनके जो किंग होते हैं एक तरीके के, उनके पास। उसके बाद में क्या हुआ वो खबर लग नहीं रही। नेपाल की सरकार ने बहुत अपील की, बहुत सारे लोगों ने, और वहाँ की जो इन्वेस्टिगेशन दुबई पुलिस ने की, उन्होंने ये बताया कि इन लोगों का ये KMT ट्रस्ट नाम का जो जहाज़ है, उसके लोगों से जो हमने लाइबेरिया से जो पूरी पूछ पड़ताल की है, उस शख्स से जिसने सब डॉक्यूमेंटेशन की थी, उसने मधु कुटप्पा का नाम लिया है कि उसके कहने पे मैंने ये सब किया था। और वो लेटर मुंबई पुलिस को लिखा गया कि ये आदमी मुंबई में कहीं रहता है। और मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच के DCP थे तभी प्रदीप सावन, प्रदीप शर्मा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, सबसे बड़े अपने ज़माने के, जो आज एंटेलिया कांड में मुकेश अंबानी के घर पे वो जो कांड हुआ, वहाँ विस्फोटक पदार्थ रखे गए सचिन वधे के साथ, जो जेल में है अभी, ये उस समय क्राइम ब्रांच में थे। तो प्रदीप सावंत ने प्रदीप शर्मा और इनके साथ एक देवड़े करके एक ऑफिसर थे, उनकी ड्यूटी लगाई कि ये मधु कुटप्पन को ढूंढा जाए। बड़ी मशक्क़त के बाद मुंबई में एक एरिया है एंटोपेल, मैं भी वहाँ पे रहा हूँ 10-12 साल, बहुत बार जिक्र हो चुका है उस घर का, बिल्डिंग नंबर 84 Sector 7 एंटोपेल, CGS सेंट्रल गवर्नमेंट क्वार्टर। तो वही एंटोपेल से मधु कुटप्पन को अरेस्ट किया जाता है, और उसकी जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है वो सारी दुबई पुलिस को भेजी जाती है, और उससे पूरा खुलासा होता है कि कैसे 40 लाख रुपए जिसमें से 10 लाख छोटा राजन ने दिए थे, 10 लाख कुटप्पन ने अपनी पास से डाले, और 10 लाख दो और लोगों ने दिए जो दिल्ली के रहने वाले बताए जाते, और उन लोगों ने छोटा राजन के कहने पे वो पैसे दिए थे। तो वो 40 लाख रुपया इकट्ठा करके 2002 में उन्होंने ये छोटा सा जहाज खरीदा था। अब देखिए, शरद अन्ना को, शरद शेट्टी को मारने के लिए 40 लाख का जहाज खरीदा गया, 10 लाख से ऊपर उसकी रजिस्ट्रेशन CDC वगैरह बनाने में खर्च हुआ, और वो जो मालिक था वहाँ का, जो जिसने सब करवा के दिया, उसने अपनी फीस ली। उसके अलावा 2 बार आने जाने का खर्चा, वेपन खरीदी की बड़ी महंगी, और इन दोनों शूटर्स को कहते हैं कि 50-50 लाख रुपए की ऑफर की गई थी
क्योंकि इनको पता था कि अगर पकड़े गए तो फांसी होगी, बच गए तो किस्मत, और वही हुआ, फांसी होगी। अब मनोज कोठियन जो मेन जो ब्रेन बिहाइंड था पूरे ऑपरेशन का, ये आदमी उसी विखरौली का रहने वाला है जिसकी हम सीरीज पे काम कर रहे हैं। तो विखरौली सीरीज पे मैंने जैसे कहा था बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आई है, उसको डिसेमिनेट करने में बहुत समय लग रहा है। आज भी मेरी 3-4 लोगों से बात हुई, उन लोगों से जो अभी भी उसी एरिया में रह रहे हैं, और वो 1975 से लेके 2000 तक के 25 साल का दौर विखरौली का उन्होंने देखा। बहुत सी बातें आज भी नई आई हैं वहाँ से। तो ये कोटियन की पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे उन्हीं विखरौली के सोर्सेज ने दी, बाकी कहानी तो हमें पता थी। और मोहन कोटियन की फैमिली उसी बिल्डिंग में, वन ऑफ दोज बिल्डिंग, कन्नौमर नगर में रहती थी। वहाँ एक नहीं, वहाँ बहुत सारे लोग थे जिनको हम साउथ इंडियन कह देते हैं। एक का वहाँ पे टैगोर नगर एक एरिया है, उसका जो 5 नंबर का जो विंग है, 7 नंबर का, वहाँ पे पंजाबी बहुत है और साउथ इंडियन कम्युनिटी बहुत है। कृष्णा पिल्ले और जिसका बेटा मोहन पिल्ले जो अमर नायक के साथ था, वो टैगोर नगर की रहने वाले थे। कृष्णा पिल्ले का शुरू किया हुआ स्कूल आज भी विखरौली में बहुत अच्छी तरह चल रहा है। वो सब किस्से एक एक करके, जैसे जैसे एक एक किस्सा कंप्लीट होगा आपको सुनाते रहेंगे। आज आपको विखरौली के उस कुख्यात आदमी का किस्सा सुनाया जिसको वहाँ के लोगों को पता भी नहीं था कि एक दिन ये आदमी इतना बड़ा काम अंडरवर्ल्ड की दुनिया में दुबई जाके करेगा। और उसके पड़ोसियों ने एक और किस्सा सुनाया, ये आदमी पढ़ने में बहुत तेज था, बॉडी बिल्डर था, बातचीत करने में बहुत स्मार्ट था, और सूटर बूटर जिसको हम कहते हैं, कोट पैंट पहन लेता था तो और ज़्यादा स्मार्ट लगता था। बॉडी बिल्ड अच्छी थी, पर्सनैलिटी अच्छी थी, बातचीत बहुत मीठे प्यार से करता था। उसके पड़ोस की एक बिल्डिंग में एक लड़की पढ़ती थी, इंजीनियरिंग का कोर्स कर रही थी, VJTI, एक बहुत बड़ी वडाला मटुंगा के जंक्शन पे एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, बड़ी रिप्यूटेड हिंदुस्तान भर में, उसमें पढ़ती थी। और पता चला कि कुछ दिनों से वो कॉलेज नहीं जा रही थी क्योंकि उसके पास गरीब घर की थी तो फीस देने के पैसे नहीं थे। तो ये बात पड़ोसियों से निकलती थोड़ा फैल गई कि इतनी इंटेलिजेंट कुड़ी अचानक कॉलेज जाना बंद कर दिया क्योंकि फीस के पैसे नहीं है। तो इसी कोटियन ने, मनोज कोटियन ने, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने सर्कल से कुछ पैसे इकट्ठे किए और एक दिन जितने पैसे उस लड़की की फीस के चाहिए थे उससे थोड़े ज़्यादा इकट्ठे करके, वो लड़की 6th फ्लोर पर रहती थी और बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं थी, पुरानी बिल्डिंग थी सीढ़ियों वाली, और ये आदमी भाग के सीढ़ियाँ चढ़ा, इतना खुश था कि मैं किसी का भरा करने जा रहा हूँ, भागते हुए सीढ़ियाँ चढ़ा और बिना उनसे कोई बात किए वो पैसे जो बांध के रखे थे कपड़े के पीस में, वो उसकी माँ को दे के, लड़की को भी नहीं, कि मैं तुम्हारी बेटी के लिए, हम सब ने, मोहल्ले वालों ने, दोस्तों ने इकट्ठे करके पैसे आपको दे रहे हैं, कल से अपनी बेटी को कॉलेज भेजिए। और देखिए आज के दिन में वो लड़की उसी कॉलेज में बहुत बड़ी साइंटिस्ट बनी हुई है, नेशनली रिप्यूटेड माना जाता है उसको। लेकिन उस लड़की को कभी ये नहीं पता चला कि ये लड़का एक दिन, कोई उसको ख्याल नहीं था कि ये लड़का एक दिन, उसने देखा भी नहीं था इसको जब पैसे देने आया उसकी माँ को। तो उस लड़की को मेरे वो दोस्तों ने बताया कि बाद में जब पता चला तो उसने कई दिन तक खाना नहीं खाया, इसलिए नहीं कि उसको इस आदमी के मरने का अफसोस था या दुबई में ये काम करने का अफसोस था, उसको ये था कि जो लड़का इतना अच्छा था, बिना माँ के गरीबों की या कह लो ज़रूरतमंद की हेल्प करने भाग के आया था सीढ़ियाँ चढ़ के, ऐसी क्या बात हुई कि उस लड़के को
क्राइम की दुनिया में जाना पड़ा। वो लड़की अपने आप से कोई इसका जवाब नहीं पा पाई, और मैं कोशिश करूंगा आने वाले दिनों में अपने दोस्तों के थ्रू उस लड़की से एक बार बात की जाए, आज वो उस आदमी को किस तरीके से देखती है, और आज उसके माँ बाप, उसकी एक बहन अभी भी है, माँ तो शायद नहीं रही, लड़कों ने बताया, उसकी बहन आज काम कर रही है मधुकोटियन की, लेकिन शायद उनको पूरा पैसा तो नहीं मिला, लेकिन काफ़ी पैसा मिला लगता है ऐसा अड़ोसी पड़ोसियों का कहना है कि उनके घर में कभी तंगी देखी नहीं बाद में उसके मरने के बाद। तो छोटा राजन ने कहीं ना कहीं अपना वो वादा जो किया था उसके साथ वो पूरा किया लगता है, घर वालों को कुछ पैसे जरूर दिए होंगे। तो ये इस तरीके की कहानियाँ विखरौली से निकल के और भी आएंगी, और क्राइम के साथ जुड़े मुंबई के इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।